किसे कहा जाता था कोचिंग का ध्यानचंद, और जानिए किसने भारत को फुटबॉल में दो गोल्ड मेडल जिताए थे। तो दोस्तों नमस्कार एंड सलाम, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बॉलीग्राफ स्टूडियोज में, और मैं हूं निष्का त्यागी। तो अजय देवगन स्टारर फिल्म मैदान जो इसी साल 15 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज होगी, अपनी घोषणा के बाद से ही लगातार चर्चों में है। बता दूं कि फिल्म का निर्देशन अमित शर्मा कर रहे हैं और इसका निर्माण जी स्टूडियोज और बेवी प्रोजेक्ट्स LLP तले किया जा रहा है। बता दें दोस्तों की फिल्म फुटबॉल के गोल्डन एरा और कोच सैयद अब्दुल रहीम की कहानी को दिखाया जाएगा। जानिए उनके बारे में। तो आपको बता दें कि 17 अगस्त 1909 को हैदराबाद पैदा हुए रहीम एक टीचर थे। लोगों को मोटिवेट करने में वो माहिर थे और यही काबिलियत देखते हुए 1943 में उन्हें हैदराबाद सिटी पुलिस की फुटबॉल टीम के साथ बतौर कोच जोड़ा गया था और टीम की परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा फर्क नजर आने लगा। टीम ने कई कप जीते और कुछ मैच में फाइनल तक भी पहुंची। कुछ ही समय में ये देश की सबसे मजबूत टीम बन गई थी। आपको बता दें कि कुछ साल उस टीम के साथ काम करने के बाद उन पर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की नजर पड़ी। आपको बता दें दोस्तों कि 1950 में रहीम इंडियन फुटबॉल टीम के कोच और मैनेजर। फिर 1951 में पहले एशियन गेम्स दिल्ली शुरू हुए, इसमें उनकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता। दोस्तों अगले साल हेलसिंकी ओलंपिक में इंडिया को बड़ी हार का सामना करना पड़ा क्योंकि टीम तब नंगे पाव खेलती थी और फिनलैंड के ठंडे मौसम में सबकी हालत खराब हो गई। इसके बाद वो रहीम ही थे जिसने तय किया कि टीम अब से जूते पहनकर ही खेलेगी। उन्हें अपने हिसाब से चीजें करने के लिए जाना जाता था, लेकिन दोस्तों उनकी दिक्कत थी कि उन्हें उनकी पसंद टीम नहीं मिल पा रही थी। उन्होंने फेडरेशन से कई बार गुजारिश की कि हैदराबाद की टीम से और खिलाड़ियों को नेशनल टीम से जगह दी जाए, पर फेडरेशन नहीं माना। 1956 में जब हैदराबाद ने बॉम्बे को हराकर संतोष ट्रॉफी जीती, तब रहीम की मांग भी तेज हो गई। फेडरेशन ने इनका जवाब ये कहकर दिया कि अगर सामने बंगाल की टीम होती तो हैदराबाद कभी ना जीत पाती, मगर दोस्तों हार नहीं मानने की कसम खा रखे रहीम ने कहा कि इस बात का फैसला बंगाल और हैदराबाद की टीमों के बीच एक मैच के बाद होगा। मैच हुआ और हैदराबाद ने बंगाल को बुरी तरह से हरा दिया और उन्हें रहीम की बात माननी पड़ी। बता दें दोस्तों कि 1956 में मेलबर्न ओलंपिक्स में क्वार्टर फाइनल में ही खेल पलटकर भारत ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया था और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में एंट्री ली थी। हालांकि दोस्तों सेमीफाइनल में यूगोस्लाविया से हारकर टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी, लेकिन ये भारत की अब तक के फुटबॉल इतिहास में सबसे बड़ी उपलब्धि है। मेलबर्न ओलंपिक्स के कुछ ही समय बाद से रहीम की तबीयत खराब रहने लगी। कुछ समय बाद पता चला कि उन्हें लंग कैंसर है। 1962 में एशियन गेम्स जकार्ता के दौरान कैंसर से जंग जारी रख टूर्नामेंट में खेलने के लिए उन्होंने एक बार फिर अपनी टीम बनाई। टीम सेमीफाइनल में साउथ वियतनाम को हराकर दूसरी बार एशिया के फाइनल में पहुंची। वहीं उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। फाइनल में टीम को एशिया की सबसे मजबूत साउथ कोरिया की टीम से भिड़ना पड़ा। दोस्तों आपको बता दूं कि उनको हराना मुमकिन सा था क्योंकि भारत के दो डिफेंडर चोटिल थे, वह गोलकीपर फ्लू से जूझ रहा था, लेकिन किसी ने हार ना मानी। एक रिपोर्ट के मुताबिक रहीम ने मैच के पहली रात खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के बजाय उन्हें तोहफा मांगते हुए कहा, कल आप लोगों से मुझे एक तोहफा चाहिए, कल आप सोना जीत लो। फाइनल के शुरुआत में ही टीम ने अपना पंजा जमा लिया और अंत में दूसरी बार इंडियन टीम ने गोल्ड मेडल जीत ली। पर दोस्तों 2 महीने बाद ही रहीम को अपने बिगड़ती तबीयत के चलते कोच के पद से हटना पड़ा। इसके 7 महीने बाद 11 जून 1963 को वो दुनिया छोड़कर चले गए। तो दोस्तों बस यही थी हमारी आज की कहानी और हमारी आज की राइटर हैं ऋचा गर्ग।